Assalamu alaikum students and welcome back to my channel Lesson 8. This video is on the solutions of chapter number 11 probability second year statistics. Basically probability is the likelihood or a chance of an event occurring. For example, agar aap ek coin ko toss karte hain, there are a head and a tail. तो कितने परसेंट चांस है कि हेड आएगा और कितना परसेंट चांस है कि टेल आएगी. तो 50-50% चांसेस है, यानी कि 1/2 हाफ चांस है कि आपकी जो है हेड आएगा या टेल आएगी. तो डेट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी कि चांस कितना है कि कोई भी इवेंट या कोई भी जो रिजल्ट है वो आपका अकर हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशंस. पार्ट question number 1, part A is find the probability of each of the following. First question is 5 appears in rolling a 6-faced cubic dice. 6 dices hote hain, 5 agar hum usko jo hai roll karte hain to 5 kitna chance hai ki usme 5 aayega. A dice can roll in 6 ways. 6 ways mein usko roll kiya ja sakta hai aur 5 jo hai usme ek hi dafa aayega. मीन्स कि प्रोबेबिलिटी जो 5 की है दैट इज 1/6. नेक्स्ट पार्ट इज एन इवन नंबर अपीयर्स व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिक डाइस इज रोल्ड. इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 4 एंड 6. तो कितना परसेंट चांस है कि 2 आएगा, 4 आएगा या 6 या जो भी आएगा क्यूब को रोल करने पे दैट विल बी इवन नंबर. तो 3 डिजिट्स हैं, दैट्स मीन कि 3/6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं डाइस के, दैट्स व्हाई 3/6. और जब हम इसके फ्रैक्शंस जो है फ्रैक्शन में वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं इट बिकम्स 1/2. बी पार्ट इज अ पेयर ऑफ अ डाइस इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट दैट प्राइम नंबर्स अपीयर एंड बी इज द इवेंट दैट इवन नंबर अपीयर्स. राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एंड फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी. तो इसमें सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे कि कितनी हमारे डाटा की सैम्पल स्पेस है. सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स कि कितने रिजल्ट आ सकते हैं आपके केस के, आपके डाटा के या आपके एक्सपेरिमेंट की. तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ डाइस है जिसको हमने रोल किया था, डैट्स मीन कि हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा जो इवेंट्स आ सकते हैं डैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 फेसेस हैं तो कोई भी डिजिट आ सकता है. फर्स्ट पार्ट इज हमने ए की फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट प्राइम नंबर अपीयर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपने ही टेबल पे आते हैं, जो किसी और टेबल पे नहीं आते. लाइक 1 है, 2 किसी और टेबल में नहीं आता, 3 किसी और टेबल में नहीं आता, सिमिलरली 5 किसी और टेबल में नहीं आता, 7 एंड 9. तो यहाँ पे हम जो डिजिट्स को लेंगे वो 2 है, 3 है एंड 5. ये 3 डिजिट्स जो हैं प्राइम नंबर्स हैं हमारे सैंपल स्पेस में. तो लेट ए इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 5. जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 3/6, क्योंकि हमारे जो सैंपल एलिमेंट्स हैं जो 3 हैं, तो 3/6 एंड इट बिकम्स 1/2. नेक्स्ट पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट्स मीन जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से हमने अपनी उस वैल्यूज को माइनस करना होता है. ए सेट को हम माइनस करेंगे, तो जब हम ए में से माइनस करेंगे, लाइक पिछली स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें से मैंने 2, 3 एंड 5 को माइनस कर दिया और रिमेनिंग रह गया 1, 4 एंड 6. 1, 4 एंड 6 मीन्स कि 3 डिजिट्स हैं हमारे पास. अगेन हमारे डाटा में 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2. बी पार्ट 2, 4 एंड 6, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया था कि बी इज द इवन दैट इवन नंबर अपीयर्स. तो इवन नंबर्स जो हैं वो हमारे डाटा में 2, 4 एंड 6 हैं. ऑल राइट, प्रोबेबिलिटीज की भी 3/6 दैट इज 1/2, हाफ प्रोबेबिलिटी है. बी कॉम्प्लीमेंट इसी तरह यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये 1, 3 एंड 5 आ जाएगा. एंड यहाँ पे भी 3 हमारे एलिमेंट्स हैं तो 3 इवेंट्स हैं, दैट्स व्हाई 3/6 एंड 1/2. ए यूनियन बी. यूनियन में हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट्स होते हैं उनमें जो भी सीक्वेंस वाइज, हम उनको सीरियल वाइज अरेंज करके डिजिट्स को मेंशन करते हैं.
तो सीरियल वाइज अगर हम सीक्वेंस से लिखें तो 2 3, रिपीट हम नहीं करते, 2 2 को हम रिपीट करके नहीं मेंशन करेंगे, 2 3 4 5 एंड 6 सीक्वेंस हमने यहाँ पे डिजिट्स को लिख दिया। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो 5 एलिमेंट्स हैं इवेंट के, तो 5 डिवाइडेड बाय 6, 5 इवेंट्स एंड टोटल 6। सिमिलरली इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखे जाते हैं डिजिट्स, ए सेट मैंने मेंशन कर दिया एंड देन बी सेट मेंशन कर दिया, तो कॉमन जो है इन दोनों में जस्ट 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1 बाय 6। नेक्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि जो हमारा आंसर ए यूनियन बी का आया था हम उसको माइनस कर देंगे जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, जो हमारी सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस में से जब हमने अपने यूनियन बी को माइनस किया, यूनियन देख सकते हैं आप 2 3 4 5 एंड 6, जब इनको हम माइनस करेंगे तो जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट रह जाता है उसको मेंशन किया जाता है, 1 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया और उसकी प्रोबेबिलिटी इज बिकॉज एक इवेंट है 1 बाय 6। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। ये सारे पार्ट्स हैं कि कार्ड ऑफ डायमंड, जो एस जो कार्ड्स होते हैं उनमें 4 शेप्स होती हैं, हार्ट, डायमंड एंड दीज 2 लीफ शेप्स, एंड 2 ब्लैक होती हैं और 2 रेड होती हैं, एंड एस इज ए 4 होते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड करते हैं कि पैक टोटल हमारे पास 52 का है। फर्स्ट इज कार्ड ऑफ डायमंड, अगर हम डायमंड्स की कार्ड्स देखें तो 13 डायमंड कार्ड्स हो सकते हैं। यू कैन सी हियर ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जे क्यू के मीन्स 13 10 11 12 13, 13 कार्ड्स जो हैं वो डायमंड के होते हैं इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हेंस पी प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी फाइंड करें तो 13 बाय 52, और जब फ्रैक्शन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी बिकॉज 13 4s are 52। नेक्स्ट वर्ड इज एन एस, एस ए जो है वो 4 होते हैं, जैसे अभी मैंने पिछली आपको स्लाइड में शो किया था कि 4 जो है वो शेप्स होती हैं, तो एस की जो है वो 4 शेप्स होंगी, डेट्स वाई 4 कार्ड्स ऑफ एस आर देयर इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 4 बाय 52, एंड देन जब फ्रैक्शन में इसको डिवाइड किया तो इट बिकम्स 1 बाय 13। नेक्स्ट पार्ट इज अ किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट सिमिलरली जैसे एस 4 होते हैं इसी तरह 4 शेप्स के किंग्स मौजूद होते हैं। देयर इज अगर किंग ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट वाला सिर्फ हार्ट एक ही शेप में होगा, तो ओनली 1 किंग ऑफ हर्ट इन अ पैक ऑफ 52 एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय 52। ऑलराइट, द नेक्स्ट पार्ट इज अ पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड यू कैन सी हियर 3 पिक्चर्स कार्ड एक शेप में होते हैं, तो 4 में जब मौजूद होंगे तो 12 हो जाएंगे, 4 3s are 12, 12 कार्ड्स, 4 kings 4 queens and 4 jackals, एंड द प्रोबेबिलिटी इज 2 बाय 52, इट मीन्स 3 बाय 13। एंड नेक्स्ट पार्ट इज अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड्स इसी तरह 26 होते हैं बिकॉज 2 शेप्स होती हैं, अगर एक शेप में 13 होंगे तो 2 शेप्स में जो है वो 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इज 26 बाय 52, एंड फ्रैक्शंस में इट बिकम्स 1 बाय 2। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट थर्ड ए इज अ बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn, find the probability that both are white. तो एक बैग में अगर 5 white balls हैं and 4 black balls हैं, 2 उसमें से निकाल ली गई हैं, तो 2 white balls from 5 white balls, means कि हम इनके combinations find करेंगे। combinations find करने का जो है वो last videos में मैंने आपको formulas और इनके methods सारे mention किए हुए हैं। similarly हम यहाँ पे भी 5 factorial और 2 balls हमने ड्रॉ किए हैं, 2 factorial, 5 minus 2 factorial, 5 को हम ओपन कर लेंगे 3 factorial तक, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा एंड देन 4 5 4s are 20 एंड मीनिंग 2 factorial, 2 2 1 अगर इसको ओपन भी कर लें 2 1s are 2 ही आएगा एंड देन डिवाइड होके 10 ways, 10 ways में हम इसको इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिजल्टेंट आ सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि बोथ विल बी वाइट बॉल्स, देन
10 डिवाइडेड बाय, बिकॉज टोटल कितनी थी, 36 थी, तो 10 डिवाइडेड बाय 36 एंड इट विल बिकम 5/18. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक. वन व्हाइट बॉल फ्रॉम फाइव व्हाइट कैन बी ड्रॉन, मीन्स इसकी प्रॉबेबिलिटी, इसकी कॉम्बिनेशन जब हम फाइंड करेंगे तो 5-1 इसके 5 ही आंसर आएगा. एंड इस तरह वन ब्लैक बॉल्स फ्रॉम फोर ब्लैक कैन बी ड्रॉन, मीन्स किसी फोर कॉम्बिनेशन, फोर वेज आ जाएंगी. देन हम इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4s are 20. देन हैंस द प्रॉबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे तो 20 divided by 36 इन इक्वल्स टू 5/9. Okay, 6 persons are chosen at random, part B, from a group containing 5 men, 4 women and 6 children. Probability that at least one is child. At least mention है यहाँ पे, तो at least का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम पूरे data की combinations देख लेते हैं कि कितने combinations हम इस यहाँ पे हो सकते हैं. 6 persons हमने choose किया out of total 15, 15, 6, 4, 10 and 5, 15. Total जो है वो 15. पर्सन्स थे जिनमें से 6 को चूज किया गया, तो टोटल कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे 5005 कॉम्बिनेशन. मीन्स उनमें से एट लीस्ट वन विल चाइल्ड का मतलब है कि या तो पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा या फिर छठा चाइल्ड उनमें से हो सकता है, कोई एक होगा इनमें से. तो अ चिल्ड्रन आउट ऑफ 6, हम यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन सब के फाइंड करेंगे कि ये हो सकता है कि वन चाइल्ड आउट ऑफ 6 एंड 5 out of 9 कैन बी चूजन, मे बी, क्योंकि एट लीस्ट कहा गया है, कंफर्म नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम पहले 6-1 और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉम्बिनेशन को 9-5. देन नेक्स्ट में हम 2 चाइल्ड लेंगे आउट ऑफ 6 एंड देन 4 out of 9. Then 3 choice out of 6 and 3 out of 9 and 4 out of 6 and then 2 out of 9 and then 5 out of 6 and 1 out of 9, 6 out of 6 and 0 out of 9. इन सारे combinations को हमने आपस में add up करना है. इन सारों की जो probabilities आ जाएंगी, इन सब को हम sum up करेंगे and that will be divided by 5005. And it comes out to be 4921 5005. Alternative method जो है इसको solve करने का, that is 1 minus probability of no child. मतलब 1 minus no child जो last हमने line mention की थी कि उसमें से कोई भी 6 में से choose नहीं किया गया and 9 out of 6 remaining होंगे divided by जो इसकी total जो combinations है पूरे data के, means 6 हमने choose किए थे persons out of 15 and इनकी values हम यहाँ पे put कर देंगे, 1 minus इसकी 84 आ जाएगी इन पूरे को solve करके and divided by combination of total 5005, it comes out to be जो same अबव आंसर आया है हमारा, वो ही आंसर यहाँ पे भी आएगा. जो मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस मेथड था वो पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है और ज़्यादा जो है वो उसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि फर्दर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो उसी मेथड से सॉल्व किए जाएंगे. राइट, नेक्स्ट पार्ट इज एग्जैक्टली 2 आर वुमेन, सेम डाटा, इनमें से उन्होंने कहा है कि अब एग्जैक्टली 2 आर वुमेन्स, यहाँ पे मेंशन कर दिया 2 आउट ऑफ 4 वुमेन्स एंड 4 अदर आउट ऑफ 11 कैन बी चूजन, ये रिमेनिंग 11 रह जाएंगे, उनमें से भी 4 चूज किए जाएंगे, टोटल 6 किए थे, तो 2 वुमेन्स हैं, रिमेनिंग 4 जो हैं वो बाकी के डाटा में से चूज की जाएंगी. मीन्स 7 कॉम्बिनेशन जो हम इसके फाइंड करेंगे, दैट विल बी 4 2 × 11 4 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1980s वे. एग्जैक्टली 2 वुमेन्स मीन्स के हम इसका डाटा यहाँ पे पुट कर देंगे 1980 डिवाइडेड बाय 5005 एंड इनकी फ्रैक्शन में वैल्यूज हम मेंशन कर देंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एट मोस्ट 1 इज मेल, एट मोस्ट मीन्स नो मैन आउट ऑफ 5 एंड 6 अदर आउट ऑफ 10 कैन बी चूजन. एट मोस्ट का मतलब होता है नो, यानी कि कोई भी जो है
वो चूज नहीं किया गया, उनमें से जो सिक्स के सिक्स पर्सन थे मैन कोई भी नहीं था, यानी कि फाइव, और इसकी जो हम ले लेंगे जीरो आउट ऑफ फाइव मैंस, नो मैन कैन बी चूजन, देन रिमेनिंग जो है वो 15 में से 10 मेंबर्स रह जाएंगे एंड सिक्स उनमें से चूज किए गए हैं, तो इनके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे दैट आर 210 कॉम्बिनेशंस, वन आउट ऑफ फाइव एंड फाइव अदर आउट ऑफ 10 कैन बी चूजन। और इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हम यहाँ पे भी यही सारी चीजें मेंशन करेंगे, एंड देन एटमोस्ट 1 210 ओवर 5005, एंड देन जो नेक्स्ट वैल्यू आई है 1560 ओवर 5005 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सम अप करके 1470 डिवाइड बाय 505 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 294। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल अपलोड दी फर्दर पार्ट्स सून इन माई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर दी नोटिफिकेशंस एंड टू गेट दी वीडियोज ऑन टाइम। थैंक यू।